Good morning, children. Welcome to Phoenix International Group of Schools. I hope you all are fine and doing well, and I hope you all are studying at home, right, student? So I'm back with a new video, children. As you know, this is our cover page and this is our textbook. I hope you all are ready, sitting with our textbooks, right? So this is our new lesson, children. What is the name of our lesson? Can you read the name? Can you spell it? Yes. What is our lesson name? M-A-N. Man. Man, a living thing. Man, a living thing. Good. So what do you mean by the lesson, children? Man, a living thing. Can you tell me? Man, a living thing. Meaning here is, man kya hai? Living thing hai. Now here, man doesn't mean only man, right? Sirf aadmi ko nahi bol rahe hain. Man meaning here included all girls, boys, ladies and gents, everyone, right? Man, aadmi, a living thing. Ab yahan par kya bol raha hai ki living thing hai. Living thing in the sense jo jandar hai bata raha hai. Man kya hai yahan par? Jandar hai. Now students, let me tell you when we can say it is a living thing. When we can say it is a लिविंग थिंग, हम किसी चीज़ को ये लिविंग थिंग है कैसा यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. ओके, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल चिल्ड्रेन. सपोज दिस इज पेंसिल, दिस इज अवर पेंसिल, राइट चिल्ड्रेन? दिस इज पेंसिल. कैन यू टेल मी वेदर इट इज़ अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? राइट, दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग, बिकॉज लिविंग थिंग कैन वॉक, लिविंग थिंग कैन वॉक, लिविंग थिंग कैन राइट, लिविंग थिंग कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस. जो लिविंग थिंग रहता है वो वॉकिंग कर सकता है, बात कर सकता है, राइट, देख सकता है, बोल सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, यस और नो, ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, एंड इवन बढ़ सकता है, ग्रो हो सकता है, यस चिल्ड्रेन? सो इसीलिए हम वो चीज़ को क्या बता रहे हैं यहाँ पर? लिविंग थिंग बोल रहे हैं हम. क्या बोल रहे हैं? लिविंग थिंग. सो हियर दिस इज पेंसिल, राइट? पेंसिल, कैन पेंसिल वॉक? नो, पेंसिल cannot walk. Can pencil breathe? क्या ये सांस ले सकता है? No, pencil cannot breathe. Can pencil reproduce another pencil? No, pencil cannot reproduce another pencil. Can pencil grow? क्या pencil grow हो सकता है day by day? No, pencil will not grow. So that's why we are saying that this pencil is not a living thing. Pencil is not a लिविंग थिंग. ये पेंसिल जो है वो लिविंग थिंग नहीं है, बिकॉज पेंसिल लिविंग थिंग क्या करते हैं? लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग टॉक कर सकते हैं, लिविंग थिंग वॉक कर सकते हैं, लिविंग थिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं अनदर लिविंग थिंग, राइट स्टूडेंट? सो दिस पेंसिल इज ए नॉन लिविंग थिंग. नाउ कैन यू टेल मी एनी फाइव नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स? फाइव नेम्स बोलिए लिविंग थिंग्स, जो ग्रो होता हो, जो चल सकता हो, जो बात कर सकता हो, जो ईटिंग कर सकता हो, जो प्रोड्यूस कर सकता हो. कैन यू टेल मी द नेम्स? राइट, व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? ह्यूमन बीइंग्स. फर्स्ट नेम इज ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, एलिफेंट, यस स्टूडेंट, एंड प्लांट्स, एंड प्लांट्स, प्लांट्स ऑल्सो कैन रेस्पायर, कैन ब्रीथ, कैन ग्रो डे बाई डे. प्लांट्स ऑल्सो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स भी डे बाई डे ग्रो होते हैं, यस, एंड वो क्या कर सकते हैं? ब्रीथ करते हैं, यस और नो? दे रिलीजेस ऑक्सीजन एंड दे रिलीजेस वॉट? ऑक्सीजन. एंड दे वॉट टेक इन साइड? कार्बन डाइऑक्साइड. सो दे आर ब्रीथिंग, राइट, दे आर रेस्पायरिंग. सो प्लांट ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए, प्लांट्स को भी हम क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग बोलेंगे हम. प्लांट्स को भी क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग. एंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी वॉक कर सकते हैं एंड टॉक कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, एंड डे बाई डे हम ग्रो भी हो रहे हैं. सो वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए लिविंग बींग चिल्ड्रेन. डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिविंग? राइट, लिविंग थिंग्स कैन, कैन यू रिपीट द सेंटेंस? लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, कैन वॉक, कैन टॉक, can grow, right? This, for this we can say we are the living things student. Okay, so in this lesson also hum living things ke bare mein kuch detail mein dekhenge. Okay, what similarities hai, what differences hai, what we can see. Shall we start, children? Right, so keep your finger in our first line.
मैन इज ए लिविंग थिंग. मैन क्या है बोल रहा है, लिविंग थिंग. हम जो इंसान हैं, हम क्या हैं यहाँ पर आदमी लोग, ये पूरे लिविंग थिंग्स है. एंड जस्ट नाउ आई सेड यू चिल्ड्रेन, हम लिविंग थिंग्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज मैन ब्रीथ कर सकता है, मैन ग्रो होता है डे बाई डे. यस और नो, वी आर ग्रोइंग. वेन वी बॉर्न वी वर वेरी स्मॉल, वी वर वेरी स्मॉल लाइक एन इन्फेंट, राइट. बट नाउ वी आर ग्रोन अप एंड नाउ यू आर इन सेकेंड थर्ड क्लास, राइट स्टूडेंट. सो इट मीन्स दैट एवरी ईयर और एवरी डे वी आर ग्रोइंग हियर. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग हियर मैन इज ए लिविंग थिंग. मैन क्या है, लिविंग थिंग है. अ लिविंग थिंग इज वन ऑफ वन दैट हैज़ लाइफ इन इट. हम लिविंग थिंग किसको बोलेंगे, हम लिविंग थिंग उसको कंसिडर करेंगे जिसमें लाइफ हो, जिसमें जिंदगी हो. इट मीन्स दैट शुड बी अलाइव. इट टेक्स बर्थ, ग्रोज एंड डाइज आफ्टर सम टाइम. एंड लिविंग थिंग्स क्या करता है चिल्ड्रेन, बर्थ लेता है. यस और नो, वी टेक बर्थ फ्रॉम अवर मॉम्स, फ्रॉम अवर पेरेंट्स, एंड ग्रोज एंड डाइज आफ्टर. एंड हम ग्रो होते हैं एंड लेटर सम टाइम, कुछ साल के बाद हम क्या हो जाते हैं यहाँ पर, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. दिस इट्स इट्स लाइफ साइकिल. एंड यही हमारी क्या है, लाइफ साइकिल है, कि बर्थ लेना, फिर ग्रो होना, देन डाई होना, देन आफ्टर डाइंग अगेन व्हाट विल बी द प्रोसेस, देन अगेन टेकिंग बर्थ एंड अगेन ग्रोइंग एंड अगेन डाइंग. सो दिस इज इट्स लाइफ साइकिल. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल हैव लाइफ्स एंड आर लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स जैसे बर्ड्स है हमारे पास, एंड सो मेनी अदर एनिमल्स विल बी देयर, दे हैव लाइफ, राइट. वी ऑल हैव लाइफ, सब में लाइफ है. इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं चिल्ड्रेन, वी आर सेइंग लिविंग थिंग्स, वी आर सेइंग. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेज इन देम. एंड सारे लिविंग थिंग्स में, जैसे प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स और एनिमल्स है, हम में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज होती है. सिमिलैरिटी मीनिंग हियर कुछ सेम सेम होता है एंड कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ अलग होता है. ओके, लेट्स स्टडी देम इन डिटेल. नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी चिल्ड्रेन के ह्यूमन बींग्स में एंड सम एनिमल्स, ये दो भी क्या है यहाँ पर, लिविंग थिंग्स है, राइट. सो अब क्या लिविंग थिंग्स जितने भी पूरे प्रेजेंट है वर्ल्ड पर, क्या सब सेम सेम होते हैं या फिर सब डिफरेंसेस क्या होते हैं उनमें, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो वी आर टेकिंग एग्जाम्पल हियर फॉर लर्निंग द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस. किसका एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम यहाँ पर, हम ले रहे हैं ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. वट वी आर टेकिंग चिल्ड्रेन, वी आर टेकिंग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ओके, क्या लर्न कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ कितने हैं, वो दोनों एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं, कितना सेम है एंड कितना डिफरेंस है, हम एक दूसरे से कितने अलग हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिकॉज वी बोथ आर लिविंग थिंग्स, राइट. शैल वी स्टार्ट चिल्ड्रेन, यस. सिमिलैरिटीज इन मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स, वट वी आर सीइंग चिल्ड्रेन हियर, वी आर सीइंग सिमिलैरिटीज इन मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स. मैन में और कुछ और डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं लिविंग थिंग्स का, जिसमें हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सिमिलैरिटीज देखेंगे हम, के हम एक दूसरे से कितने सेम हैं और कितने अलग हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ कीप योर फिंगर ऑन द नेक्स्ट लाइन. मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर्स. सो नाउ हियर वॉट ही इज सेइंग हियर, मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर्स. मैन, ह्यूमन बींग्स में और अदर जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स ले लीजिए या फिर अदर एनिमल्स ले लीजिए, हम में क्या है, कॉमन फीचर्स है. कुछ क्या है यहाँ पर, सेम सेम चीज़ें हैं. दे आर एज फॉलोज, लाइक एग्जाम्पल, वो सेम सेम क्या है हम में और अदर लिविंग एग्जाम्पल्स. सी ये चिल्ड्रेन, आई एम टेकिंग फॉर एक्सप्लेनिंग यू, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ यर एनिमल. ओके, यू कीप रिमेंबर, वी आर डूइंग कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस में कितनी चीज़ें कॉमन हैं और कितनी चीज़ें अनकॉमन हैं. ओके, दे आर एज फॉलोज, लेग्स. नाउ फर्स्ट वन वी आर डूइंग कंपेरिजन बिटवीन लेग्स. अब हम लेग्स को कंपेयर कर रहे हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, सो यहाँ पर हमारे पास लेग्स हैं. अदर जो लिविंग थिंग है, एनिमल, क्या उनके पास भी लेग्स है, वी हैव टू सी हियर. ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ सिमिलैरिटी इन मूवमेंट. सो नाउ ये पूरे लिविंग थिंग्स में क्या होता है स्टूडेंट, सिमिलैरिटी होता है, सेम होता है इन मूवमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट, मूवमेंट इन द सेंस द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो मूव होते हैं ना, यहाँ से कहीं और जाना या ये प्लेस से किसी और प्लेस पर जाना, ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं चिल्ड्रेन, वी आर सेइंग मूवमेंट. ओके,
ह्यूमन बींग्स मूव विद ए टू लेग्स विद द हेल्प ऑफ देयर टू लेग्स. नाउ ह्यूमन बींग किस तरह से मूव होते हैं चिल्ड्रेन? हम मूव होते हैं किसे? विद द हेल्प ऑफ अवर टू लेग्स. ह्यूमन बींग्स के पास टू लेग्स होते हैं जिससे वो मूव होते हैं. एनिमल्स ऑल्सो मूव ऑन देयर लेग्स. नाउ यू टेल मी चिल्ड्रेन, हाउ डू द एनिमल्स मूव? एनिमल्स किस तरह से मूव होते हैं? डू दे मूव ऑन देयर हैंड्स? क्या वो अपने हैंड से मूव हो रहे हैं? नो, इवन एनिमल्स ऑल्सो मूव विद द हेल्प ऑफ देयर legs only, right? So is this not a similarity? Yes, this is a similarity. Yes, ये similar है, ये हमें common है. We human beings and the animals, we both are sharing this common character. ये एक character हमें यहाँ पर same, in when we are doing comparison, this came same children, okay? That human being also walk with legs and even animals also walk with the help of their legs only. So this is similarity. For example, cow, dog, deer, elephant, etc. move on legs. So for example, cow. What do you mean by cow, children? Cow meaning guy, right? And dog. Dog meaning that you all know very well. And deer, hiran and elephant, जो हाथी होता है, etc. move on legs. ये किस पर move होते हैं children? वो अपने legs use करते हैं move होने के लिए. और हम जो human beings हैं, हम भी क्या use कर रहे हैं यहाँ पर? Legs use कर रहे हैं move होने के लिए. So are not we similar? Yes, the process of movement is similar in this. Okay. You can see here children, you can see in this picture. Can you able to see this boy? Yes, the boy is walking, right? And which part of the body he is using for the walking? He is using his legs, right? And this is the another animal which is running, right? So which part of the body it is using? That is legs only. And here also legs for walking. So animals and even human beings, we both use legs for movement, for walking or running, etc. Okay, students. Now come to our next para. Eyes. What is this? Eyes. A human being has a pair of eyes. Human beings ke paas kya hai children? We have a pair of eyes. Pair meaning two rehna. Okay. To humare paas eyes ka one pair hai. One pair mein two hote hain. So this is one eye and this is another eye. So we have a pair of eyes. He can see with the help of his eyes. और हम किस तरह से देख सकते हैं children? With the help of these eyes only. ये eyes की help से ही हम क्या कर सकते हैं? We can see, right student? We can see with the help of eyes only. Animals have also a pair of eyes. And same जिस तरह से human beings के पास pair of eyes है, वैसे ही animal के पास क्या है children? A pair of eyes. Animal के पास भी two eyes होते हैं देखने के लिए, okay? They can also see the world around with them with the help of their eyes. And वो भी क्या कर सकते हैं? उनके surrounding environment में whole world they can see with the help of their eyes. वो अपने eyes की help से ही surroundings में देखते हैं as we see children, okay? So both human beings and animals God gifted with two eyes for seeing. So now here, what he is saying here? के both human beings भी और animals को भी God ने हमको क्या किया है यहाँ पर? टू आइज बनाई हैं फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए भी एज वेल एज फॉर द एनिमल्स के लिए भी. सो दैट वी ऑल्सो कैन सी एंड एनिमल्स ऑल्सो कैन सी चिल्ड्रेन. यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, इन अवर फर्स्ट पिक्चर ऑफ द आई पैरा, वट इज देयर? वन टेलीविजन इज केप्ट, एक टेलीविजन है वहाँ पर. एंड वन बॉय एंड अ गर्ल, दे बोथ आर वॉचिंग वॉट? दे बोथ आर वॉचिंग टी वी. वो दो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? टेलीविजन देख रहे हैं. सो हाउ दे आर एबल टू सी चिल्ड्रेन? विद द हेल्प ऑफ देयर eyes only, right? And you can see here one man is there. I think he is a hunter, right? He came here to do hunting. वो hunting करने के लिए आया है and he is holding one gun in his hand. उसके हाथ में एक gun भी है children, okay? And you can see here this is an animal and the animal is watching to that hunter. So how the animal can able to see with the help of their eyes only, right children? So do you agree that human beings and animals, we both share some common characters. Like अभी हमने क्या देखा कि legs भी हमारे पास भी है और even animals के पास भी है. तो ये common character हो गया. Eyes ये हमारे पास भी है as well as ये animal के पास भी है. So this is also becomes what? This is also a common character children. Okay. So in this lesson, we have completed our two paras, that is our legs and eyes children, okay? In our next
class we will go through with next para. Now come to the homework children. What you have to do in homework? Write any five names which are said to be as a living things, including animals. So what you have to do children? You have to write any five names which are considered as a living thing. आपको ऐसे five names लिखना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? Living things बोल रहे हैं. And even I have explained you children, right? Living things जिसको बोलेंगे हम, जिसमें कुछ characters हों, जैसे वो walk कर सकता हो, वो बोल सकता हो, वो speak कर सकता हो, and वो reproduce कर सकता हो, and वो breathe कर सकता हो, जो सांस ले सकता हो, जो बढ़ सकता हो, जो grow हो सकता हो, हम उसी को क्या बोलेंगे? Living things बोलेंगे. Can we say this pencil is a living thing? No, pencil is not a living thing because the pencil cannot walk and pencil cannot breathe, pencil cannot grow, right? Book is a living thing? No, book is also not a living thing because book cannot grow. Day by day books can grow? No, book cannot grow, book cannot breathe. So we are saying it is not a living thing. Human beings are the living things and some animals, you can write the names in all these blanks children, okay? Keep your homework ready till our next class and make sure that you should learn it perfectly children, okay? Inshallah, I'll be back with the next video. Till then, take care and have a nice day children.